आज आपके सामने फिर से एसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण में अभी तक हम लोगों ने विशेषण तक पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। तो बच्चों कारक क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक प्रत्येक कारक का एक एक चिन्ह होता है। उस कारक के कितने भेद होते हैं चिन्ह के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। कारक के 8 भेद होते हैं और यहाँ पर मैंने उसको दिखाया है। ये कारक के नाम है और ये कारक के चिन्ह है। कारक और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह मैंने शो किया है। कर्ता का चिन्ह क्या हो जाता है? ने। कर्म का चिन्ह क्या हो जाता है? को। करण का चिन्ह क्या हो जाता है? से या द्वारा। संप्रदान का चिन्ह क्या हो जाता है? को के लिए। आपादान का क्या हो जाता है? से अलगाव की स्थिति में। यहाँ से आप देखेंगे दो दो बार है। यहाँ से जोड़ने की स्थिति में आता है और यहाँ पर से अलगाव की स्थिति में आता है। संबंध का के की। अधिकरण में पर। संबोधन हे ओ आए। तो कारक का चिन्ह आपने देखा कि कारक 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। अब उसी कारक का जो 8 कारक के भेद होते हैं यहाँ पर मैं उसकी परिभाषा आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए कर्ता कारक पहला जो होता है वो क्या है? कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो वो कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि यहाँ पर भी बता रहा है कि शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भारत ने मैच जीता तो अब यहाँ पर ने कर्ता का चिन्ह क्या था? ने। भारत ने मैच जीता, राम ने पतंग उड़ाई, अब यहाँ पर राम ने क्या काम किया? पतंग उड़ाया, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? ने। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है इसका उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है और कर्म कारक का चिन्ह क्या हो जाता है? को। यानी कि कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। कर्ता कौन है? राम है और उसका क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रावण का। तो यहाँ पर ये देखिए को इसका चिन्ह हो गया यानी कि राम ने रावण को मारा। पुलिस किसको पकड़ कर लाई? चोर को पकड़ कर लाई। पुलिस चोर को पकड़ कर लाई, यहाँ पर चिन्ह हो गया को। तो कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को सबसे पहले कि यहाँ पर जो बता रहा है कि जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। इसका चिन्ह से होता है। अब से देखिए यहाँ पर से जो बता रहा है से की स्थिति दो तरह से होती है। अब यहाँ पर अमन बोतल से दूध पीता है, मीरा पेन से लिखती है, राम साइकिल से स्कूल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपने कहा है कि राम साइकिल से स्कूल जाता है। तो से यानी कि हर कंडीशन में आप देखेंगे कि वो जुड़ा हुआ है। कर्ता से क्या हुआ है? वो जुड़ा हुआ है। तो जुड़ने की जो स्थिति होती है वो से कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक कहता है। मैं चौक से लिख रही हूँ तो चौक से लिख रही हूँ, से किससे है? मुझसे जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ जुड़ने की स्थिति में जो होता है वो करण कारक कहलाता है। तो अब चौथे नंबर पर क्या है बच्चों? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या कहलाता है? जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। जैसे दादाजी के लिए खाना लाओ तो यहाँ पर के लिए क्या हो गया? ये देखिए आप के लिए क्या हो गया, ये इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। मैंने पापा को गिफ्ट दिया
या पापा को उपहार दिया, तो को क्या हो गया, इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। अब हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अभी आपने करण कारक में देखा होगा, मैंने पढ़ाया आपको कि करण कारक में क्या होता है, जिस शब्द के जिस रूप से जुड़ने का भाव प्रकट होता है, यानी कि जिससे जुड़ाव होता है, और यहाँ पर क्या है, अलग होने के से, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, से। जैसे उसमें क्या था कि राम पेन से लिख रहा है, तो उसके कर्ता के साथ वो जुड़ने की स्थिति थी, और यहाँ पर क्या है, अलग होने की स्थिति है, यानी कि राम का पेन गिर गया, तो राम से पेन क्या हो गया, अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से क्या हो गया, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो जहां अलग होने की स्थिति होती है, राम साइकिल से गिर गया, वह बस से कूद गया, तो बस और राम कूदने, यानी कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, अलगाव की स्थिति आ रही है, अलग होने की स्थिति आ रही है। तो जहां पर अलगाव की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। सिक्स नंबर पे संबंध कारक। अब संबंध कारक में क्या होता है, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अब आपको मैं बता दूं कि अब यहाँ पर क्या है, रावण का पुत्र, यहाँ पर देखिए मैंने का लगाया है, रावण का पुत्र मेघनाथ था, इसका चिन्ह क्या होता है, का के की, ठीक है ना, रारेरी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रावण का पुत्र क्या है, मेघनाथ, यानी कि रावण का संबंध किससे है, मेघनाथ से है। यह कार किसकी है, यह कार रमन की है। तो यहाँ कार किससे जुड़ा हुआ है, रमन से जुड़ा हुआ है। तो संबंध कारक में यही होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है उसे संबंध कारक कहलाते हैं। सेवेंथ नंबर पे बच्चों क्या है, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या आता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर। जैसे चिड़िया कहाँ बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर यानी कि चिड़िया किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो पर क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। बच्चे कमरे में है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि में क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया, इसका चिन्ह क्या बताया हमने आपको, में और पर। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। बच्चे कमरे में है, में अधिकरण कारक हो गया। अब एट नंबर पर क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, जिस शब्द से किसी को संबोधित करने, पुकारने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, और संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे, ओ, अरे, वाह, वाह, अरे, ये सब बोलते हैं आप, जिससे हमारे अंदर का भाव प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहते हैं। अरे कैसे चोट लगी, वाह भारत जीत गया, मैच, भारत मैच जीत गया, वाह शाबाश क्या बात है, बोलते हैं। तो ये जिससे प्रकट होता है वो संबोधन कारक कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने दिखाया है कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, आदि। जैसे हे ईश्वर बोलते हैं ना हम लोग, हे ईश्वर मेरी मदद करो, अरे तुम्हें चोट लग गई, कैसे, वाह क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल बाजी ही मार ली, अरे वाह क्या बात है, इंडी मैच जो है, भारत ने मैच जीत लिया, धोनी ने छक्का मारा। तो इसपे जो हमारे अंदर से भाव आते हैं, जो हम व्यक्त करते हैं अपने भाव को, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही कारक अध्याय खत्म होता है, और आप इसे पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।